किसी भी राज्य की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है उसे बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है, और राज्य के जो युवा होते हैं उनकी भी तमन्ना होती है कि मैं इस परीक्षा में पास करके डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं, डीएसपी बन जाऊं, या अन्य जो भी पद है वो मुझे मिल जाए। लेकिन अगर मैं बात करूँ झारखंड की, 2000 में झारखंड बना और 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होने के बाद से यह विवादों में आ गया। अब तक 6 परीक्षा हो चुकी है, 6 परीक्षा विवाद में रहा। उसके बाद 7वीं से 10वीं तक की कंबाइंड परीक्षा हुई जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले अभी निकला, और उसको लेकर भी विवाद हो गया। मैं आपको बता दूं एक ही सीरीज के कई अभ्यर्थी इसमें पास हो गए हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनूप शंकर, जो आपको बताएंगे कि इसमें क्या पूरी गड़बड़ी है और कैसे क्या इसमें घपला हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जेपीएससी हुआ वो किसी भी राज्य को स्टेट्स को ये पावर दिया गया, ये संविधान में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 315 में साफ साफ उल्लेखित है कि संघ अर्थात सेंटर के लेवल पे संघ लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, और राज्यों में आप उसके स्तर पे लोक सेवा आयोग बना सकते हैं जैसे जेपीएससी की स्थापना होगी। तो आर्टिकल 315 हमको ये अधिकार देता है, और ये एक टाइप से कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। अब झारखंड जब से अलग हुआ तो झारखंड में इसके स्थापना हुई, जेपीएससी आयोग बना, और लगातार जब से आपने जैसे बताया कि परीक्षा हुआ तो हमेशा विवादों के घेरे में रहा। अभी नई सरकार आई, युवाओं की सरकार आई, और उन्होंने हमेशा ये बात किया कि हम ये 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा जो उन्होंने करवाया, तो 19 सितंबर 2021 को झारखंड के 1102 केंद्रों पर इसका परीक्षा का आयोजन करवाया गया। उसके बाद 1 नवंबर 2021 को इसकी परीक्षा का परीक्षाफल जारी कर दिया गया, और इसके बीच का जो बात है कि प्रश्न पत्र जो था, प्रश्न पत्र वो कठिन था। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जब प्रश्न पत्र आपका कठिन हो तो उसका कट ऑफ मार्क्स हमेशा कम रहता है। जैसे लास्ट ईयर में यूपीएससी 2020 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें पेपर 2 सीसेट जो क्वालिफाइंग होता है उसके प्रश्न कठिन थे, तो कट ऑफ कम रहा, 96 कट ऑफ जनरल का गया। वैसे राजस्थान का आप देखेंगे, राजस्थान पीसीएस का भी प्रश्न टफ थे तो कट ऑफ कम गया। तो यहाँ पर भी ये साफ बातें थी, सारे एक्सपर्ट विशेषज्ञों की राय थी कि 115 क्वेश्चन के आसपास जिनका रहेगा उनका प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 6 जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट हुआ था वो 103 क्वेश्चन अर्थात 206 नंबर कट ऑफ रहा था। तो ये मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा था कि 230 अंक जिसके रहेंगे उनके हो जाएंगे, लेकिन जब प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल सामने आता है तो अचानक से कट ऑफ इतना हाई हो जाता है कि बड़ी संख्या में जो झारखंड के झारखंडी विद्यार्थी थे जो लगातार मेहनत कर रहे थे और अच्छा परीक्षा देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जनरल समान वर्ग में 128-129 प्रश्न जिनके सही हैं अर्थात 258 नंबर जिनके सही हैं वो भी इससे बाहर हो गए हैं, और ये सरकार जो हमेशा से ये दावा करती रही है कि ये पिछड़ों की सरकार है, शोषितों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, तो जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनके साथ भी साफ साफ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि वैसे बड़ी संख्या में लोग जो इसमें शामिल हो सकते थे, जो आरक्षित वर्ग में शामिल होने के बाद सामान्य वर्ग में आ सकते थे, लेकिन उनको भी पीछे धकेल दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है, और जेपीएससी की जो नियुक्ति की है वहाँ पे जो सदस्य रहे हैं या रहे, ये एक साफ साफ कह सकते हैं कि एक घोटाला, कदाचार, और परीक्षा का जो व्यवहार होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो सरकार ने नहीं रखा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 4000 को तो फिलहाल के अभ्यर्थी इसी क्वालिफाई किए हैं। हाँ, एक ही सीरीज के 100 अभ्यर्थी इसमें पास घोषित किए गए। हाँ, कहाँ को गड़बड़ी दिखती है इसमें, किस तरीके से गड़बड़ी दिखती है कि एक ही सीरीज के 100 लोग अचानक से लिख रहे हैं कि वो क्वालिफाई कर गए एग्जाम को? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि लगभग 4300 के आसपास। देखिए, ये परीक्षा जब हुआ था तो नोटिफिकेशन जब सरकार ने जारी किया था तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा था कि जो पदों की संख्या है 252 पद थे, और पदों की संख्या का 15 गुना पीटी में लोग को पास किया जाएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान आया तो 15 गुना कीजिएगा तो 3700 से आता है, लेकिन अभी लगभग 17 गुना लोग को पास कर दिया गया, तो एक कन्फ्लिक्ट आपका यहाँ आ गया। दूसरा जो मामला आया है कि दो जिले झारखंड के, खास कर तीन जिलों में दो जिले जो हैं, एक गिरह जिला मुख्यमंत्री साहब का साहिबगंज,
और दूसरा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का गिरा जनरल लोहरदगा का, इन दो जगहों से, दो सेंटरों से बड़े घोटाले सामने आए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ। और लोहरदगा का जो टाउन एरिया है बरवा टोली, वहाँ पे कॉलेज है एमएलए कॉलेज, मधुसूदन लाल अग्रवाल महिला कॉलेज है, वहाँ पर 14 उस केंद्र में 14 कमरे बनाए गए थे, उसमें से फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा का नाम था 14B। मैं रोल नंबर के साथ मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताऊंगा कि उसके बाद उसी कमरे में से लगातार जो विद्यार्थी पास होने की संख्या जो आई है, वहाँ जो बैठे हुए थे उसमें से बैठने की कैपेसिटी 24 थी, लोग जो उपस्थित हुए उसमें से जितने उपस्थित सारे पास कर गए, मतलब 16 में से 16 लोग पास हो गए। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था जो उस कक्षा में थे कि कुछ लोग अनुपस्थित थे, उसके बाद भी उन्हें पास करा दिया गया। ये पहला मामला है जो बड़ा घोटाला सामने देखा जाता है। दूसरा मामला साहेबगंज का है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय का, वहाँ पर इसी तरह 20 में से 17 विद्यार्थी जो उपस्थित थे उन्हें सारे एकदम रोल नंबर क्रमांक साथ पास कर दिए गए। दो सीरीज हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर कॉलेज जो बरवा टोली लोहरदगा में है, इसका सेंटर कोड था 26010 और इसमें 384 लोग बैठने की कैपेसिटी थी, और स्नेह कुमार इसके यहाँ पे परीक्षक नियंत्रक थे, केंद्राधीश थे। अब देखिए इनका जो सीरीज है रोल नंबर वाला 14B जो मैंने बताया, 5223680 to 5223690 3। तो क्या सरकार से हमको ये पूछना है कि क्या आयोग से हमको ये जानकारी चाहिए कि क्या सारे बुद्धिमान छात्र उसी केंद्र के उसी कक्षा में बैठे हुए थे? ये क्या संभव हो सकता है कि सारे बुद्धिमान छात्र वहीं बैठे हुए थे? और दूसरा जो साहेबगंज का मामला आ रहा है, काफ़ी मीडिया के बंधुओं ने इस मामले को बतलाया है कि क्या सारे बुद्धिमान छात्र वहीं बैठे हुए थे? तो मुख्यमंत्री के गिरह जिले से और वित्त मंत्री के गिरह जिले से जब इस प्रकार के बातें सामने खुल के आती हैं तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और सरकार जो ये बार बार ये कह रही थी कि हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, नियुक्ति वर्ष करेंगे, ये पूरी तरह से हेमंत सरकार फेल हो गई। एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपके भी सपने हैं कि मैं जेपीएससी में जाऊँ या जेपीएससी कम्प्लीट करूँ, लेकिन जब कोई नई सरकार बनती है और जेपीएससी का में जब सदस्यों की नियुक्ति होती है तो सरकार अपने हिसाब से वहाँ सदस्यों की नियुक्ति करती है, जो उनके फेवरेबल होते हैं उसे उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। ये कितना दुखद है और कितना तकलीफदेह है ये। देखिए, आपने बहुत ही संवेदनशील मामले को उठाया है और बहुत अच्छा उठाया है कि पिछली सरकार जब रघुवर दास की सरकार रही थी 5 वर्ष, तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में जेपीएससी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो छात्रों के अंदर काफ़ी आक्रोश था और हम जैसे तमाम छात्रों ने भी संघर्ष किया था, आंदोलन किया था माननीय श्री रघुवर दास की सरकार के खिलाफ में। उसके बाद जब नई सरकार आई और पहले घोषणा की कि युवाओं की सरकार बनेगी, और बहुत उम्मीद से सारे युवाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर माननीय श्री हेमंत सोरेन को वोट किया था, जितलाया था, और इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नियुक्तियाँ देंगे और जेपीएससी कंप्लीट करवाएंगे। प्रत्येक वर्ष इन्होंने कहा था कि 2-4 हम जेपीएससी परीक्षा करवाएंगे, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया, लेकिन उसके बाद जो जेपीएससी हुई 7, 8, 9, 10 एक साथ कराया गया। तो इसमें जो कराया गया तो ये तो स्पष्ट नहीं हो सका, क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। और आपने बहुत अच्छा बात बताया कि जो इसमें सदस्य होने चाहिए, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य का पद यहाँ पर है, ये साफ साफ देश के संविधान में और रूल बुक में लिखा गया है कि इसके जो अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे वो गैर राजनीतिक दल से होंगे, जैसे देश का राष्ट्रपति, जैसा देश का राज्यपाल गैर राजनीतिक दलों से होता है, ठीक उसी प्रकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो रहेंगे वो गैर राजनीतिक दलों से रखेंगे। अभी जो यहाँ इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, पूर्व में IPS रहे थे, BCCI के मैनेजर भी रहे थे, और करप्शन के काफ़ी मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। जब करप्शन के मामले चल रहे हैं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री किस प्रकार से सलाह देके राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति कराती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं लेकिन जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज चल रहे हैं आप उनके इतना महत्वपूर्ण सीट देते हैं। दूसरा बात, जो 3 मेंबर की नियुक्ति की बात हुई, फर्स्ट में जो है आपके हजारीबाग के साथ कोलम्बस कॉलेज के उर्दू विभाग के HOD रहे डॉक्टर जमाल अहमद, वो टीचर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी उत्तर छोटा नागपुर के कांग्रेस पार्टी के परमंडलीय वो प्रवक्ता रहे हैं, तो एक कांग्रेस पार्टी से। दूसरा जो बोल रहे हैं
भट्टाचार्य जो है सुप्रिया भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव है झामुमो के, वो अपनी पत्नी को, आप भट्टाचार्य पत्नी को इनकी सदस्य बना देते हैं सरकार द्वारा, जो वर्तमान में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लाला लाल नारायण डिग्री कॉलेज निरसा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और तीसरा जो है जो हासदा मैडम है गौसना कॉलेज की, वो झामुमो से प्रत्यक्ष रूप का संबंध है। तो इस प्रकार से दो सीटें झामुमो ने ले ली और एक सीटें कांग्रेस की बांट दी। तो जो बातें आ रही थी ट्रांसपेरेंसी की, नई सरकार से जो लोगों की उम्मीद थी, वो बिल्कुल सरकार उस पर खरा नहीं उतर रही है। और राजनीतिक दलों का इसमें प्रवेश हो जाने के कारण कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से घोटाला कदाचार के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए बहुत आपने सही बात बोला, जब से झारखंड अलग हुआ तो झारखंडियों का ये बहुत सपना था कि संयुक्त बिहार में झारखंडी जो इस भौगोलिक क्षेत्र थे उनके साथ एक न्याय की भावना नहीं हो रही थी। लंबे समय से 1912 ईस्वी से देखिएगा, जब ढाका में विद्यार्थी परिषद झारखंड अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा जुड़े, शिबू सोरेन जुड़े, विनोद बिहारी महतो जुड़े, और लगातार एक लंबे आंदोलन के बाद झारखंड एक अलग राज्य की स्थापना हुई। अब 2002 में जब जेपीएससी के आयोग की स्थापना होती है तो यहाँ के युवाओं में बहुत ये प्रसन्नता का माहौल था कि बनेंगे। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पे रहे, प्रथम जेपीएससी और द्वितीय जेपीएससी को देखेंगे, जो सीबीआई का मामला आपने बताया, कोर्ट में केस चल रहा है कि उसके मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न उत्तर पत्र था उसके अंदर चेक नहीं किया गया, उसके ऊपर मार्क्स बिठा दिया गया है और वही अंक डाल दिए गए। केस हुआ, सीबीआई मामला चल रहा है 20 वर्षों में। देखिए अब 20 वर्षों में अगर मामला चल रहा है, कोर्ट निर्णय भी दे देता है, तो इतने दिनों में काफी उन्होंने धन संग्रह कर लिया और विभिन्न माध्यम से उस धन को काफी बढ़ा लिया। तृतीय या चतुर्थ जेपीएससी की बात करें तो उसमें भी फोर्थ वाला में अचानक से स्केलिंग की माध्यम बात आ गई थी, जो बड़ा विवाद का कारण रहा था। जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति लेती है, वो भी विवादों के घेरे में रहा। फिफ्थ जेपीएससी में देखिएगा अचानक क्या हुआ कि ओएमआर सीट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद समाप्त कर दिया। जो व्यक्ति हिस्ट्री का टॉपर था उनको उसे इसलिए छांट दिया गया कि चूंकि उन्होंने नीचे तो टू को रंगा था, पत्र दो को, लेकिन ऊपर ब्लॉकिंग नहीं किया, हटा दिया गया, मामला गया। अब उसके बाद सिक्स जेपीएससी में आता है तो यहाँ क्या किया कि मुख्य परीक्षा में जो पेपर वन था जिसमें हिंदी और इंग्लिश को जोड़ा गया था, वो क्वालिफाइंग पेपर था, आप उसके क्वालिफाइंग वाले मार्क जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे आप उसको ऐड कर दिए। और बहुत सारे पिछले रास्ते से सरकार ने, पिछले रास्ते से, यही वर्तमान सरकार ने ही रिजल्ट जारी किया था, तो पिछले रास्ते से बहुत सारे लोगों को अंदर डाल दिया जो पहुंच वाले थे, पैसे वाले थे, और जो मेहनती छात्र थे उनको एकदम बाहर फेंक दिया गया। बहुत दुखी हैं वो, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन यहाँ के झारखंडी लोगों का न्याय नहीं मिल रहा है जिसकी उम्मीद में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। बड़ी बात है कि लोगों को बहुत उम्मीदें थी जब राज्य बना था। मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपके यहाँ जो अधिकारी होते हैं वो पैसे देके आ जाते हैं जॉब, तो बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ। आप खुद एक युवा है और तैयारी कर रहे हैं, अब भी बाहर जाते हो, देखिए ऐसी बातें आपने कभी सुनी है? देखिए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह देश युवाओं का देश, 21वीं सदी युवाओं का सदी है। झारखंड में जब सरकार बनी माननीय श्री हेमंत सोरेन की, उन्होंने कहा कि युवाओं की सरकार है। और जब युवाओं की बात होती है तो चुनावी मुद्दे में युवा लगातार बार बार उनके शब्दों में आते हैं, लेकिन जब युवाओं को उनके अधिकार देने की बात होती है तो सरकारें अपने कदम पीछे ले लेती हैं। जेपीएससी के अलावा भी बहुत सारे रोजगार जो जेएसएससी में पिछले सरकार की नीतियाँ चल रही थी उसे अचानक से एक झटके में चार जो नियुक्तियाँ चल रही थी उनको रद्द कर दिया गया। पिछले बार जो पंचायत सचिव का मामला था, जो नियुक्ति देने का मामला था, उसको भी सरकार अब तक नहीं की है। बहुत दो साल के लंबे खींचतान कोर्ट और सरकार की लड़ाई के बाद अभी जो 11 जिलों में मामला था हिस्ट्री के टीचरों का नियुक्ति देने का, वो इस बार कम्प्लीट हुआ 2 साल के बाद। तो सरकार जो बार बार युवाओं के शब्दों का उच्चारण करके एक दिग्भ्रमित कर रही है और चुनावी मुद्दा बना रही है, लेकिन युवाओं के अधिकारों से
उनको वंचित रख रही हैं। जो युवा बहुत दुखित होते हैं और जब झारखंड राज्य से बाहर हम जाते हैं किसी जॉब के लिए तो बोलते हैं कि झारखंड इतना संसाधनों से अमीर है, यहाँ यूरेनियम, कोयला, अभ्रक क्या नहीं है, यहाँ पर इतना मिनरल्स का यहाँ भंडार है, और उसके बाद भी झारखंडियों की जॉब की बात करें तो बिल्कुल नहीं है। हाई स्कूल का जो परीक्षा हुआ था उसमें सामान्य वर्ग के जो सीटें थी उसमें 75% सामान्य वर्ग सीटें वो दूसरे राज्य के लोग थे। तो यहाँ पर आखिर किस प्रकार की पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है कि झारखंडियों को यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है, और दूसरे राज्यों से व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ी मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात और है इसमें कि सरकार अब तक जो अभी हंगामा जो चल रहा है इसे लेके, इस परिणाम को लेके सरकार के कामों पर जू तक नहीं रही है, और हर बार अगर कहीं से उन्हीं की किरण दिखती है वो हाईकोर्ट, तो युवा क्या करेंगे यार। देखिए हमने भी जब लास्ट टाइम आंदोलन किया था तो हमने भी झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग की थी कि आप बहुत सारे मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हैं, ये तो अधिकार उनको है, संविधान अधिकार देता है, तो आप सो मोटो लीजिए, आप स्वतः संज्ञान लीजिए और एक कमेटी बनाइए। मेरा इस वीडियो चैनल इस न्यूज के माध्यम से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी अपील रहेगी, मांग रहेगी समस्त युवाओं की ओर से कि आप एक कमेटी बनाइए, स्वतः संज्ञान लीजिए, कमेटी बनाइए जो सरकार से बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र संस्थान हो, कमेटी हो, और वो इसकी न्यायिक जांच करे। जब देखिए न्यायिक जांच की बात होती है तो आज भी झारखंड के हर लोगों को न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा रहा है, न्यायालय ने हमेशा युवाओं के साथ दिया है, तो हमारी ये मांग रहेगी कि आप एक न्यायिक कमेटी बनाइए जिसमें युवाओं के साथ न्याय की भावना उत्पन्न हो। मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि जब एक युवा जॉब की तैयारी करता है पढ़ाई के बाद 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करता है ताकि इतना कंपटीशन हाई हो जाए इसमें उसे एक जॉब मिल जाए, वो पीड़ा मैं आपकी जानना चाहता हूँ। आप दर्शकों को बताइए कि जब आप तैयारी करते हैं और ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो कितना दर्द होता है। देखिए आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया, हजारीबाग एक एजुकेशन का हब है, यहाँ पर आसपास के जिलों से, झारखंड के तमाम बहुत सारे जिलों से विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आप जब कोरा मटवारी जाएंगे तो नज़र आएगा गिरिडीह से जो बसें आती हैं, जो कोडरमा से बसें आती हैं, वहाँ पर एक छात्र पैरों में एक हवाई चप्पल पहने होता है, बहुत ब्रांड की उसके पास सामान नहीं रहती है, कंधे पर वो एक बोरा में चावल और दाल घर से लेकर आता है, एक कुकर साथ लेकर आता है, खाना बनाता है, किसी प्रकार से बस जीने के लिए खाना बनाता है, खाता है, और सोचता है कि हम 2 वर्ष में 3 वर्ष में पढ़ाई करके अगर एक नौकरी ले लेंगे तो अपने परिवार का अपना स्वयं का रोजगार हो जाएगा। पूरे गाँव के लोगों की उम्मीदें उन पर टिकी रहती हैं, लड़कियाँ जो धीरे धीरे विकास के रास्ते पे आगे आ रही हैं, गाँवों से आती हैं, उनको बहुत समय नहीं मिलता है कि वो 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष यहाँ तैयारी कर सके, 2 वर्ष 3 वर्ष मिलता है, विवाह का एक सामाजिक दबाव रहता है उनके ऊपर, वो चाहती हैं कि किसी प्रकार से दिन रात मेहनत करके वो ट्यूशन पढ़ा रही हैं, वो घर का काम कर रही हैं, अपनी छोटी बहन को भी रखी हुई हैं, और उसके बाद भी वो पढ़ाई करती हैं और वो इस विश्वास से एग्जाम देती हैं कि उनमें एग्जाम में न्याय होगा और उनको भी रोजगार मिलेगा। लेकिन जब 12 घंटा 15 घंटा जब JPEC का एग्जाम होने वाला था, मैं खुद एक छात्र रहा था, तो मैंने 12 से 15 घंटा लगातार पढ़ाई की थी, और मतलब 12 15 से ज़्यादा किताबें हमने पढ़ाई की। किताब हम अगर नहीं खरीद सकते हैं, हमारे दोस्त नहीं खरीद पाते हैं, तो एक दूसरे से हम लोग बांटते हैं, साझा करते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं, एक जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो इस करुणा का, इस भाव का, इस भावनाओं का जो सरकार सम्मान नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं जन आक्रोश में फैलेगी। और जो रघुवर दास को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, हमको लगता है कि आने वाले समय में अगर सरकार भी स्वतः संज्ञान नहीं लेती है, इस मामले को नहीं उठाती है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, तो माननीय श्री हेमंत सरकार को भी इसका आने वाले चुनाव में खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अभी 3 दिन पहले मैं बात कर रहा था तो मैं आपकी तो कह रहे थे कि जब JPEC भी संस्था अपनी सक्रियता खो देती है तो हमें लगता है कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई हमें छोड़ देनी चाहिए, तो मुझे काफ़ी डिप्रेशन दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अभी देखिए युवा वर्ग लगातार जब से कोरोना काल समाप्त हुआ है तो जो लोग प्राइवेट जॉब में भी थे उनके जॉब चली गई, उसके बाद बाहर के लोग यहाँ पे आ गए जो घर से गए थे, और घर में जो मासिक इनकम थी, आय का स्रोत था, वो भी कम हो गया। आप देखेंगे कि इनकम बहुत कम हुई, इंडिया का GDP भी कम हुआ, और उसके बाद ऐसे दबाव के परिस्थितियों में अगर सरकार कोई एग्जाम लेती है, JPEC को एग्जाम का आयोजन कराती है, और छात्र, मेहनती छात्र दिन भर रात भर जग के पढ़ाई करके किसी प्रकार से
अगर वो परीक्षा देते हैं और वो इसके हकदार हैं कि उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, उसके बाद भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार के लोग, आयोग के लोग और इस प्रकार के लोगों के मिलीभगत से अगर वो बाहर हो जाते हैं और पिछले रास्ते से अमीर लोग इसमें घुस जाते हैं तो दुख होती है, वेदनाएं होती हैं। और हम सरकार से, हम लोग का बार बार ये मांग है कि आप इसे समाप्त कीजिए। अभी देखिए कि युवाओं का जो अटेंशन है वो कितना बढ़ रहा है, और आप हजारीबाग में आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, कुछ समय पहले एक युवा ने कमरे में, दो युवाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इतने कम उम्र में लोग आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार सो रही है, कितनी संवेदनशील मामले हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो बड़े नेटवर्क्स हैं न्यूज़ के, वो भी इसे कवर करें और सरकार पे ये बात को समझाने की कोशिश करें कि आप लोगों की संवेदनाओं के साथ मत खेलिए, आप इसे समझिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत सही बात आपने कहा, मैं आपके बात से पूर्णतः सहमत है कि जितनी पार्टियां हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सभी लोग युवाओं की चर्चा करते हैं और युवा शक्ति की बात करते हैं, चुनावी मुद्दा में युवा होता है, लेकिन जब अधिकारों की बात होती है तो युवा उसमें समाप्त हो जाता है। उसमें सिर्फ मात्र पैसे वाले लोग आते हैं, पहुँच वाले लोग आते हैं, और युवा जिनका वोट लेकर सरकार बनाया गया, वो युवा जो देश के भविष्य हैं, जो युवा जिनके ऊपर आरक्षण की राजनीति किया जाता है, उन युवाओं को भी आप साइडलाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और मात्र आप ये कर रहे हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए आप अमीर वर्ग के, अमीर घराने के, पहुंच वाले घरानों के युवाओं को आप आगे प्रमोट कर रहे हैं। देखिए अभी एक अभी तक मुद्दा जो सामने खुल के नहीं आया है कि JPSC ने अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया है। एक ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, करप्शन फ्री की बात होती है, तो सबसे पहले आयोग को भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि आप कट ऑफ जारी कीजिए। ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है, हम लोग का अधिकार प्राप्त है कि हम ये जाने कि हम जो परीक्षा दिए हैं उसमें हमारा कितना अंक आया है, जो परीक्षार्थी पास किए हैं आखिर उनका कट ऑफ कितना गया है। अभी तक आयोग ने जारी नहीं किया, क्यों जारी नहीं किया, सरकार क्यों नहीं पूछ रही है, हेमंत सरकार क्यों दबाव नहीं डाल रही कि आप बताइए आयोग को, आयोग बताए लोगों के कितना मार्क्स आया हुआ है, ये बात नहीं बता रही है। तो जब तक आयोग इसको लेके नहीं आएंगे, छात्र लगातार अभी तैयारी कर रहे हैं कि अगर 5 तारीख को झारखंड के विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम हुआ और अगर इसको 10 दिन का अल्टीमेटम 14 नवंबर तक इसको नहीं मारा जाता तो 15 नवंबर को राज्य में एक व्यापक जन आंदोलन आएगा, छात्रों का आएगा, जो सरकार की नींव हिला देगी और आयोग की नींव भी हिला देगी। आपको बताना पड़ेगा कि कितना आप कट ऑफ जारी किए हैं, किस प्रकार से SC ST OBC EWS और जनरल का कट ऑफ है। तो आप जब तक इसको क्लियर नहीं कीजिएगा तो ये मामला होगा, इसके बाद कोर्ट में मामला जाएगा, तो वैसे छात्र जो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं वो भी मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे, मामला लंबित हो जाएगा। तो हम सरकार से, मेरा निवेदन है कि अब जल्दी से जल्दी इस मामले को ध्यान दीजिए, आयोग पर दबाव डालिए और सबसे पहले कट ऑफ जारी करवाइए, और उसके बाद जो बड़ी संख्या में लोगों को बाहर कर दिया गया है, आप एक कमेटी बैठाइए, पैनल बनाइए जो जांच करे, सबसे पहले जांच करके अपना रिपोर्ट दे। और जो बड़ी संख्या में लोगों को बाहर कर दिया गया है, एक कमेटी बनाइए, पैनल इस बात को डिसाइड करेगी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का लेवल अगर टफ था या आसान था तो कितना उसका कट ऑफ होना चाहिए। जैसे नोटिफिकेशन में 15 टाइम था, आपने 70 टाइम दे दिया, तो उसी तरह कमेटी ये डिसाइड करेगी कि इतना अंक से प्राप्त करने वाले से ऊपर विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में अगर शामिल किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो उनको लगता है कि एक ये बीच का रास्ता निकलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर सरकार इन बिंदुओं पर पहल नहीं करती है तो एक बड़ा व्यापक जन आंदोलन होगा जो सरकार की नींव बिल्कुल हिला देगी। धन्यवाद।